गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा. जब मैं आज वीडियो अपना टर्न ऑन नहीं कर पाऊंगा, जैसे सम लाइक इशू विद माय लैपटॉप. आवाज सभी को आ रही है क्लियर और स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? यस सर. क्वेश्चन है लिखो. गिवन है हमें से एरिया बाउंड्री रीजन का क्वेश्चन. फर्स्ट कहता है कि इफ वाई इक्वल टू एक एम एक्स लाइन है बाइसेक्ट एरिया एनक्लोज्ड बाय द लाइंस वाई इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू एंड y इक्वल टू वन प्लस फोर एक्स माइनस एक्स. देन आपको बताना है कि 12m का वैल्यू क्या होगा. सबसे पहले मुझे बताओ ये y इक्वल टू फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या शेप होगी हमारी? y इक्वल टू वन प्लस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या होगा हमारा? सर्कल होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा ये? बताओ भी. बताओ भी इस कर्व को हम क्या बोलेंगे, क्या होगी, क्या शेप बनेगी जब बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे? किसी को नहीं समझ में आ रहा क्या बनेगा? हाँ काव्य आप बताओ. पैराबोला बनेगा ही नहीं बनेगा भी? हाँ बेटा कह सकते हैं पैराबोला बनेगा. यस सर. तो यार इतना टाइम क्यों लग रहा सोचने में भी? अच्छा ये पैराबोला जो बनेगा कैसे पास करेंगे इसे? वैसे तो हमें रफ फिगर बनाना है बट थोड़ा सा बनाएंगे तो कैसे प्लॉट करेंगे इसको, लाइक यहीं पे बना देता हूँ. बताओ सबसे पहले ये अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला, या लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, कैसे होगा, कैसे ओपन करेंगे इसे? डाउनवर्ड. डाउनवर्ड होगा ये तो क्लियर होगा, डाउनवर्ड होगा. लेकिन ओरिजिन से तो पास नहीं होगा बिकॉज अगर एक्स जीरो पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू वन आएगा, तो ये बात क्लियर होगी कि जीरो वन पे कट करेगा. ठीक है ठीक है. तो कुछ ऐसा होगा ना ये? ठीक है भाई. ये सभी को क्लियर है? दूसरी तरफ होगा उसका वर्टेक्स, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा राइट वर्टेक्स, है ना? सेकंड में. सेकंड में होगा वर्टेक्स, मैंने उल्टा बनाया. ऐसा कैसे कह सकते हैं ये भी बता दो. माइनस बी अपॉन. अच्छा फॉर्मूला होता है हमारा वर्टेक्स का, बिल्कुल ठीक कहा आपने. वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए. याद है भाई सभी को? Yes, sir. तो इसका वर्टेक्स निकालेंगे तो क्या आएगा? माइनस बी. बी कितना है भाई? बी कितना है हमारा? फोर डिवाइड बाय ए कितना है हमारा? ए माइनस वन नहीं है काव्य? सर वन लिख दिया. यही तो गड़बड़ है. मतलब सारी बातें पता है कि वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, काव्य को ये भी पता है, सब चीज पता है, तब भी काव्य ने गड़बड़ कर दिया. और अगर मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने सिर्फ रैंडमली बना दिया तो भी सही बन गया. तो यार कम से कम जब तुम्हें पता है सारी चीजें तो तब तो सही करो. ठीक है ओके. अब सभी को समझ में आया भाई मैंने ऐसा क्यों बना दिया था? ठीक है. काव्य कह रहा है कि वर्टेक्स जो होता है, वर्टेक्स जैसे अभी इसमें एक बात और ऐड कर लो, मतलब कभी कभी जब हम पैराबोला बनाएंगे तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ऐसा क्यों नहीं बनाया, जीरो वन आप कह रहे हो जीरो वन होगा तो ऐसा बना दो. तो ये तो भाई हमने जीरो वन ही वर्टेक्स सेट कर दिया,
पर वर्टेक्स का तो भाई किसी भी पैराबोला में अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, ये फॉर्मूला भाई सभी बच्चों को याद होना चाहिए। वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है जहां से ये टर्न करता है, दैट इज गिवन बाय माइनस बी बाय टू ए कॉमा माइनस डी बाय फोर, ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये लिख लो जिनको नहीं पता है। और ए बी सी डी तो पता होगा भाई क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो डी होता है तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। साइन की कहीं पर भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई, कैलकुलेशन ध्यान से करो। तो हमारा पैराबोला हमें पता लग गया भाई, ऐसा होगा कुछ ऐसे पास होगा। ठीक है, रफली बना दिया ऐसी, थोड़ा सा आइडिया ले लिया। और वर्टेक्स हमने जैसे आपने बोला वर्टेक्स निकाल दो या अभी ऐसे ही रहने दो, हमें शायद वर्टेक्स की पता नहीं जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। ओके चलो वर्टेक्स एक बता दो फिर क्या होगा इसका, जल्दी से निकाल कर क्या आएगा। वर्टेक्स निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, माइनस का बी डिवाइड बाय टू ए और कॉमा डी, बताओगे क्या आएगा जल्दी से, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये हमारा सी है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ए है माइनस वन, बी है फोर, सी है वन, कितना आ रहा है डी, ट्वेंटी आ रहा है। और फोर ए करेंगे तो माइनस फोर, कितना आ रहा है फाइव। तो वर्टेक्स क्या आ रहा है हमारा भाई सॉल्व करके, टू कॉमा फाइव। ठीक है, वर्टेक्स हो गया हमारा टू कॉमा फाइव। ठीक है, अब उसने कहा है कि एक तो ये कर्व लेनी है, दूसरा वाई इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू जीरो यानी कि x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, x इक्वल टू जीरो हो गया हमारा y एक्सिस, y इक्वल टू जीरो हो गया x एक्सिस, कर्व हो गई। और इसने एक लाइन भी बोली थी, लाइन क्या बोली थी, लाइन इसने बोला था y इक्वल टू mx। भाई लाइन y इक्वल टू mx तो कुछ ऐसे लाइक जा रही होगी, पता नहीं हमें, m की वैल्यू नहीं पता, तो मैंने बस जीरो जीरो से पास कर दी लाइन y इक्वल टू mx। और क्या बोला इसने, इसने बोला एक और लाइन है जो कि है x क्या बोला था, x इक्वल्स टू थ्री बाई टू, ये लाइन बी बना दो, थ्री बाय टू थ्री बाय टू थ्री बाय टू, टू से पहले आएगा थोड़ा सा। ठीक है, एक्स इक्वल टू थ्री बाय टू। अब उसने बोला था कि द एरिया बाउंडेड बाय, द एरिया बाउंडेड बाय वन टू थ्री एंड दिस फोर्थ कर्व इज बाइसेक्टेड बाय लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स, मतलब जो लाइन है वाई इक्वल टू एम एक्स वो इन चारों के बीच में जो एरिया है, मतलब कौन सा एरिया होगा, अगर मैं बात करूं कौन सा एरिया की बात कर रहे हैं, इस एरिया की बात कर रहे हैं, ये सारा का सारा एरिया, ये सारा का सारा एरिया, ये जो ग्रीन लाइन मैंने बनाई है ये उस एरिया को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। मतलब फिगर पे मत जाओ कि मैंने फिगर में जो बनाया है उसमें तो लग ही नहीं रहा कि हाफ है, तो हमें तो बस लाइक रफ फिगर प्लॉट करना होता है, फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल। ठीक है, स्केल नहीं करना उसे कि भाई एरिया तो सर ने जो बनाया है वो तो इक्वल लग नहीं रहा, कौन से वाला एरिया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये वाला एरिया, ये फर्स्ट एरिया और ये सेकंड एरिया दोनों इक्वल हैं, बट ये लग नहीं रहे, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वल हैं। और हमें क्या निकालना है, 12m की वैल्यू निकालनी है, 12m तभी निकलेगा जब m निकलेगा। तो सबसे पहले मुझे बताओ अगर पूरा एरिया लेना है जो मैंने ब्लू वाला शेड करा तो वो कैसे लोगे एरिया बताओ, टोटल एरिया जो होगा फर्स्ट और सेकंड का कंबाइंड एरिया वो क्या होगा, कैसे लेंगे इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक लेंगे, ये तो हमें पता है पॉइंट थ्री बाई टू कॉमा जीरो है, बता दो कहां से कहां तक लें, जीरो से लेकर जीरो से थ्री बाई टू तक बाउंड कराएंगे, और किसके पीछे बाउंड कराएंगे, पैराबोला के अंडर। और पैराबोला क्या था, वाई इक्वल टू वन प्लस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, बाउंड करा दो, वन प्लस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाउंड करा दिया, निकाल दो एरिया जल्दी से बताओ कितना आता है, सॉल्व करके इक्वल्स टू बता दो भी कितना आया, हाँ भाई बता दो, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बता दो कितना आया सॉल्व करके,
39 अपॉन 8 39 बाय 8 आएगा यूनिट। और किसी का भी यही आया अभी? ठीक है, तो ये एरिया आ गया हमारा पूरा कंबाइंड। अच्छा, अब उसने बोला था ये जो लाइन है ग्रीन वाली y इक्वल टू mx, ये इस एरिया को हाफ मतलब बाइसेक्ट कर रही है दो इक्वल हाफ में। तो जो फर्स्ट वाला एरिया है वो तो आप निकाल सकते हो ना डायरेक्टली, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिख रहा है वो, तो एरिया वन ट्रायंगल का एरिया तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। हाफ बेस, बेस बताओ कितना है फर्स्ट ट्रायंगल का, बेस कितना यूनिट होगा? 3/2 यूनिट्स, 3/2। और हाइट, हाइट कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, हाइट मतलब ये वाला पार्ट, ये कितना होगा? वन। यार ऐसे कैसे कह सकते हैं वन, किसने कहा ये वन तक जा रहा है? पहले ये पॉइंट तो निकाल लो, ये पॉइंट कैसे निकालोगे भाई? ये वाला पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू mx और x इक्वल टू 3/2 सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों को सॉल्व करके y की वैल्यू आएगी 3/2 m, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3/2 m और x की वैल्यू 3/2, तो ये पॉइंट कितना होगा 3/2, 3/2 m, क्लियर है? तो हाइट कितनी होगी, हाइट तो वर्टिकल होगी 3/2 m। सभी को आया समझ में? बोलो भाई, क्लियर है? Yes, sir. तो कितना आ गया, इसको सॉल्व करके आ गया भाई 9/8 m। अब ये एरिया ऊपर वाले एरिया से कितना होगा, हाफ ही तो होगा, सिंस एरिया वन और एरिया टू भाई दोनों आपके इक्वल हैं क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा था। तो एरिया जो आया 9/8 m ट्राइंगल का एरिया, वो हाफ होगा किससे, पूरे एरिया से जो कि 39/8 है, क्लियर है? तो 9m इक्वल टू आ गया 39/2, m की वैल्यू क्या आ गई हमारी 39/18, क्या निकालना था 12m निकालना था भाई, निकल जाएगा? Yes. समझ में आया पूरा क्वेश्चन? और ट्राइंगल का एरिया फिर वही इंटीग्रेशन लेकर नहीं बाउंड कराना, डायरेक्टली हाफ बेस इनटू हाइट लगा के निकाल दो, ठीक है भाई? कितना आएगा वैसे, 6 होता है, 6 3 18, 6 2 12, 2 14, 26 आंसर, ठीक है? क्लियर भाई सभी को? बोलो भाई अगर किसी को नहीं आया समझ में, पैराबोला कैसे बनाया मैंने, सभी को क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कि भाई फाइंड करना है आपको नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर विच आर नीदर मल्टीपल ऑफ 7 नॉर मल्टीपल ऑफ 3, कितने होंगे एस डैश। हमें बताना है कि 4 डिजिट नंबर जो होते हैं वो कितने होंगे ऐसे जो ना तो 7 से डिवाइड हो ना ही 3 से डिवाइड हो। तो अब 7 से भी नहीं होने चाहिए, 3 से भी नहीं होना चाहिए, तो फिर मैं टोटल निकाल कर 7 और 3 वाले जो मिलाकर टोटल होंगे वो माइनस कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं नहीं वाले निकालूं तो बहुत सारे होंगे। तो काउंटिंग का तरीका है कि अगर आपका बहुत सारे लाइक केसेस बन रहे हैं तो आप टोटल में से जो चाहिए जो नहीं चाहिए वो हटा दो। तो टोटल बता दो पहले 4 डिजिट नंबर कितने होंगे ऐसे, टोटल 4 डिजिट नंबर कितने हैं भाई? इसने रिपीटेशन वगैरह कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब अलाउड है, बताओ टोटल 4 डिजिट नंबर कितना लिखूं? टोटल 4 डिजिट नंबर कितने होंगे भाई? 9000, 9 × 10 × 10, क्योंकि पहले पर जीरो नहीं आ सकता, 9000, ठीक है। उसमें से पहले 7 के मल्टीपल्स ले लो, टोटल मल्टीपल ऑफ 7 कैसे ले भाई, 7 के मल्टीपल्स, 7 के मल्टीपल्स काउंट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ सीरीज लिखना पड़ेगा। 4 डिजिट नंबर मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होगा, 1000 से ना भाई, 1000 तो लेकिन 7 से डिवाइड नहीं होता, 1000 के बाद कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड हो जाएगा? थाउजेंड से जस्ट नेक्स्ट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा इज, क्या करो 1000 को भी 7 से डिवाइड कर लो, ये आ गया मेरा, ये रिमाइंडर बच रहा है 6 रिमाइंडर कितना बचा, 6 बचेगा, गड़बड़ तो नहीं करी कुछ, 30 28
सिक्स बच रहा है रिमाइंडर। अब क्या करें, अब मुझे पता है कि जो आंसर जो रिमाइंडर सिक्स बचने का मतलब है, थाउजेंड में अगर मैं सिर्फ वन और ऐड कर देता, क्योंकि सिक्स आ रहा है रिमाइंडर, तो अगर वन और होता एक्स्ट्रा तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता सेवन से, राइट। एक बात का ध्यान रखो, जब आप बोलते हो कि थाउजेंड को डिवाइड करा सेवन से और रिमाइंडर आया सिक्स, तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। और अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूं तो मैं कहूंगा और रिमाइंडर इक्वल टू माइनस वन, ये नेगेटिव रिमाइंडर होता है। नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब है कि मेरा जो आंसर, मेरा जो डिविडेंड था थाउजेंड, वो कितना कम है जिससे कि वो सेवन से डिवाइड हो जाता, तो मैं कहूंगा वन कम है, तो आप वन ऐड कर दो। क्यों? सिक्स माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि थाउजेंड माइनस सिक्स करोगे तो थ्री डिजिट में चला जाएगा, तो एक कम है ना, तो थाउजेंड में वन ऐड कर दो, तो वन ऐड करोगे तो वन थाउजेंड वन आ जाएगा, जो पहला नंबर होगा जो सेवन से डिवाइड होगा। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, आई थिंक यार ये तो मेरे ख्याल से तुमने एपी जब टेंथ क्लास में या ये नाइन्थ क्लास में जब भी टेंथ में पढ़ा होगा तब ये वाले क्वेश्चन तो ऐसे तो तब भी करे होंगे तुमने, तो थाउजेंड एंड वन से स्टार्ट होगा भी। जिनको नहीं समझ में आया कि कहाँ से स्टार्ट होगा, खूब क्लियर हो गया होगा। अच्छा लास्ट तो बता दो फिर क्या आएगा, लास्ट क्या आएगा? लास्ट में फोर डिजिट नंबर सबसे बड़ा होता है, डबल नाइन डबल नाइन, सेवन से डिवाइड कर लो इसे, बताओ क्या आएगा? रिमाइंडर आ रहा है थ्री। अब थ्री क्या करूं, थ्री का मतलब है एक्स्ट्रा आ गया, मतलब थ्री, तो मुझे इसमें फोर ऐड तो नहीं करना, क्योंकि अगर मैं फोर ऐड करूंगा तो सेवन से डिवाइड तो हो जाएगा लेकिन फाइव डिजिट में चला जाएगा, तो मुझे थ्री इसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इस बार, है ना? यस ठीक है भाई। अब इसके बाद बताने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा ए एन हो गया, ए तुम्हारा कितना है थाउजेंड एंड वन, डी कितना है तुम्हारा सेवन, तो एन निकल जाएगा ना, कितने होंगे? ठीक है भाई, एन निकल जाएगा सभी का भाई। यस इसी तरह से मैं क्या करूंगा, इसी तरह से मैं डिविजिबल बाय ये नंबर आ जाएंगे जो सेवन से डिवाइड होंगे, ऐसे ही मैं क्या करूंगा डिविजिबल बाय थ्री वाले भी निकाल लूंगा। तो मान लो डिविजिबल बाय सेवन आते हैं टोटल एक्स, डिविजिबल बाय थ्री वाले आते हैं वाई, और टोटल कितने आए थे 9000। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो डिविजिबल बाय थ्री भी ना हो और सेवन भी ना हो, कैसे निकालेंगे? अब लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, कुछ नंबर तो ऐसे भी होंगे जो सेवन से डिवाइड हो रहे होंगे और थ्री से भी डिवाइड हो रहे होंगे, तो इसका मतलब मुझे वो वाले भी निकालने चाहिए जो दोनों से होंगे, डिविजिबल बाय क्या 21 है ना, इसका मतलब मुझे तीन सीरीज बनानी पड़ेगी, सेवन वाली, थ्री वाली और 21 वाली। क्लियर है भाई? यस। और फिर आंसर क्या होगा हमारा, रिक्वायर्ड जो आंसर होगा वो होगा टोटल में से एक्स माइनस वाई और जेड प्लस कर देंगे। क्लियर है? जेड प्लस क्यों, जेड इसलिए प्लस कर रहे हैं क्योंकि हमने दो बार माइनस कर दिया जो 21 से डिवाइड हो रहे थे, एक्स में भी आ गए वो और वाई में भी आ गए, तो दो बार माइनस करा तो एक बार ऐड कर दिया, तो दिस विल बी माय रिक्वायर्ड आंसर। कर लोगे भाई? ठीक है, सभी को आया समझ में? बोलो भाई क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है, सपोज एक लाइन गिवन है x माइनस टू बाई ए, वाई माइनस टू बाई माइनस फाइव, जेड प्लस टू बाई टू, लाइज ऑन प्लेन पे लाई करती है, प्लेन क्या है x प्लस थ्री वाई माइनस टू जेड प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, हमें निकालना है a प्लस बी का वैल्यू, जल्दी से बता दो, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा। हमें a प्लस बी का वैल्यू बताने क्या आएगा, क्वेश्चन है कि एक लाइन है गिवन बाय दिस, लाइज ऑन द प्लेन x प्लस थ्री वाई माइनस टू जेड प्लस बी इक्वल टू जीरो पे, हमें बताना है a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा।
अब अगर कोई भी लाइन प्लेन के ऊपर है तो वो क्या क्या सेटिस्फाई करेगी कंडीशन लगाकर, हमें ए और बी निकालना है और ए प्लस बी का वैल्यू निकाल के बताना है क्या है। मैक्सिमम 1 मिनट और भाई, क्योंकि बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन वर्क नहीं है। सर दोनों का सम निकालना है? हाँ बेटा, अल्फा प्लस ए प्लस बी की वैल्यू निकालना है। इंडिविजुअली मेरे ख्याल से निकल जाएंगी ए और बी की वैल्यू, तो ए प्लस बी निकाल कर बताना फाइनल का आंसर क्या है। वैसे ए और बी बता दो आप, चलो ए कितना रहा और बी कितना रहा पहले, अगर इंडिविजुअल वैल्यूज निकल रही हैं तो ए और बी भी बता दो कितना कितना आ रहा है। चैट में ठीक है, ओके काव्या आपका ठीक है बिल्कुल भाई, एक मिनट में आ जाना चाहिए। देखो एक मिनट में आ गए हो एक बच्चे का, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से करके बताओ कि क्या आ रहा है। वैशाली का भी ठीक है, काव्य 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 बी की वैल्यू भी बता दी काव्य ने, बिल्कुल ठीक है। एरी आपने 20 दिया ए का वैल्यू, हेमंत हेमंत का भी ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, सॉल्व नहीं कर रहे हो क्या भाई? ये कह रहा है एक लाइन है जो कि प्लेन के ऊपर है, यार एकदम समझ में आता है कि लाइन के ऊपर जो फिक्स पॉइंट है क्या है, फिक्स पॉइंट लाइन का, लाइन पर जो फिक्स पॉइंट है वो है 2, 2 और -2, ध्यान रखना साइन चेंज करते हैं, और एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। ये वाला पॉइंट ऑन प्लेन भी होगा और प्लेन पर है तो सेटिस्फाई करेगा, 2 + 3 × 2 − 2 × −2 + b = 0, तो b की वैल्यू तो डायरेक्टली निकल गई, कितनी b की वैल्यू आ गई भाई 2, 6, 8, 8 + 4 हो गया 12, 12 उधर जाएगा −12। और फिर अब ए का वैल्यू कैसे निकालें, अब हमें पता है कि लाइन अगर प्लेन के ऊपर है तो जो लाइन के डायरेक्शन रेशियो है डीआर ऑफ लाइन डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या है भाई, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन है ए −5 और 2, और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है, नॉर्मल के डीआर क्या है भाई हमारे 1, 3 और -2, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होंगे ना, क्योंकि अगर लाइन प्लेन के ऊपर ही है तो लाइन पर जो नॉर्मल होगा वो परपेंडिकुलर आएगा, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और किसकी वैल्यू निकल जाएगी, ए की वैल्यू निकल जाएगी। ए कितना आ गया, ए आ गया 19, तो हमें निकालना था ए प्लस बी दैट विल बी 7। तो मुश्किल से एक मिनट का क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ भी मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये अगेन प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, तो यहाँ पर तो टाइम बचाना चाहिए भाई तुम्हें कि जल्दी से जल्दी हो जाए क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगना ही नहीं चाहिए। सभी को आया समझ में भाई क्या कह रहा? यस सर। ठीक है, तो यार थोड़ा सा लाइक ध्यान से समझो, ये मैं इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आप लिंक कर पाओ सारे के सारे कि हाँ भाई हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है। ओके नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का है, y dy by dx is equal to given x times y square by x square। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के देख के ऑब्जर्व करना कि हो क्या रहा है, और ये एक फंक्शन दिया हुआ है कुछ इस तरह से, डिवाइड बाय इसका डेरिवेटिव, नीचे इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है एंड क्लोज कर दिया ब्रैकेट में, और बोला है कि x ग्रेटर देन 0 है और जो फंक्शन है वो भी ग्रेटर देन 0 ही है, और y 1 पे दिया हुआ है इक्वल टू -1 है वैल्यू। देन आपको बताना है फाइव वाई स्क्वायर बाय 4 की वैल्यू
क्या होगा? ऑप्शन है, ऑप्शन दिए हैं इसके, 5 1 के इक्वल होगा, 4 5 2 के इक्वल होगा, 2 5 1 के इक्वल होगा, या फिर डी 4 4 4 5 1 के इक्वल होगा। इन चारों में से बताना ऑप्शन करेक्ट कौन सा। तो पहले तो क्वेश्चन को देख के सोचो, पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, कौन सा टाइप बन रहा है या नहीं बन रहा, तो क्या करें। कोई भी बोल सकता है जिसको समझ में आ जाता है, सेपरेटेबल है, होमोजेनियस है, क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए। बताओ भैया, आए किसी को समझ में? वेरी गुड भाई, हमें एकदम ही देखकर ही समझ में आ रहा है इतना, मतलब क्लियर, सारी टर्म्स देखकर समझ में आ रहा है। डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स को लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स को लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो भाई वाई बाई एक्स को क्या मान लो, और यहाँ पर भी देखो इस वाले एक्स को भी अगर आप वाई के नीचे ले जाओगे तो ये भी वाई बाई एक्स हो जाएगा। तो हर जगह पे वाई बाई एक्स की फॉर्म में ही लिखा हुआ है, तो सिर्फ होमोजेनियस में नहीं लगता, मतलब ऐसा नहीं है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तभी हम y इक्वल टू वी एक्स या y अपॉन एक्स की वैल्यू v पुट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कहीं पर भी साइन में ऐसा दिख जाए, साइन के अंदर दिख जाए y बाय एक्स, लॉग में दिख जाए y बाय एक्स, या फिर e की पावर में दिख जाए y बाय एक्स ऐसे, तो भाई y की वैल्यू vx मान लो, चाहे वो होमोजेनस हो या नहीं हो, या उल्टा हो तो फिर x इक्वल टू वी वाई मानो। अगर ऐसा लिखा हो तो फिर x इक्वल टू वी वाई मान के करेंगे, ठीक है ना, और फिर dx अपॉन dy में निकालेंगे उसको। और ऐसा करने पे क्या होगा, सेपरेटेबल बन जाएगी, जो होमोजेनस मतलब होमोजेनस अगर है तो भी सेपरेटेबल होगा, और होमोजेनस नहीं भी अब तो भी जब हम पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेटेबल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जो पहले नहीं हो रहा है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, जैसे काव्य ने बोला कि भाई वाई की वैल्यू वी एक्स मान लेते हैं, या फिर और ये भी कह सकते हैं वाई बाई एक्स की वैल्यू हम वी मान रहे हैं, तो वाई बाई एक्स या वाई की वैल्यू वी एक्स मान रहे हैं, तो वो डेरिवेटिव करके क्या आएगा, dy by dx क्या आएगा, dy by dx आएगा v x का वन x बार dv by dx, ठीक है भाई, फिर यहाँ तक। और इसको रिप्लेस करा दो हर जगह पर, बताओ क्या क्या लिख दूँ, y के साथ y की जगह vx लिख देता हूँ, y की जगह vx, और dy by dx की जगह क्या लिख दूँ, v plus x dv by dx, equal to में क्या चल रहा है, equal to में x तो बाहर लिखा ही हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, y square upon x square, y square upon x square को v square लिख दूं डायरेक्टली, और प्लस 5 क्या था, न्यूमरेटर में था 5 y square upon x square, उसकी जगह लिख देता हूं v square, और डिवाइड में उसका डेरिवेटिव नीचे भी v square, ठीक है भाई, यहां तक बताओ सभी को आया समझ में। यहां तक क्लियर है भी सभी को? अब हमारे यहाँ पर दो वेरिएबल के फॉर्म में चेंज हो गया, x मतलब एक v वाला फंक्शन है, v वाली टर्म और x, अब सेपरेट करने की कोशिश करो, तो क्या करें, dv के साथ सारे की सारी v वाली टर्म्स या फंक्शन v वाला, और dx के साथ x वाला, तो क्या करें, पहले तो सबसे पहले देखो ये x x कट गया यहाँ से, ये काट दो, और क्या होगा, अब क्या करें, मल्टीप्लाई करें, चलो कर देते हैं, वी स्क्वायर प्लस वी एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ये भी कट जाएगा, प्लस नीचे इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, अब सेपरेट कर लो, हो जाएगा, होना ही चाहिए, क्या आ रहा है, वी के साथ आ रहा है डी वी, और ये आ जाएगा ऊपर जो डेरिवेटिव है वी स्क्वायर वाले का, और नीचे आ जाएगा फंक्शन ये वाला, और राइट साइड पे डी एक्स डिवाइड बाई एक्स, यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes. अब लेफ्ट वाला राइट वाला तो इंटीग्रेशन बहुत इजीली हो गया, लॉग एक्स हो जाएगा, सी की जगह लॉग सी लिख देते हैं, लेफ्ट वाले को बताओ कैसे लिखूं इंटीग्रेशन करके, लेफ्ट वाले का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लेफ्ट वाले को इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा, हाँ हाँ क्या आएगा, हाँ अगर मैं लेट कर लेता हूँ किसको,
फाइव ई स्क्वायर को मान लेता हूँ, क्या मान लू भाई, टी मान लू, तो क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ फाइव ई स्क्वायर साथ में, क्योंकि वी स्क्वायर को हमने माना है तो टू वी आएगा और साथ में डी वी इक्वल टू डी टी। ये क्लियर है सभी को क्या करा मैंने? Yes. और रिप्लेस कर दो, रिप्लेस करने में सब कुछ लिखा हुआ है, बस क्या नहीं है, टू नहीं है, तो रिप्लेस करके इसकी वैल्यू आ जाएगी डी टी बाई टू। तो लेफ्ट साइड पे मैं लिख रहा हूँ क्या, डी टी डिवाइड बाई टू और नीचे टी, ठीक है भाई। क्या आ गया हमारा, वन बाई टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, लॉग ई बेस टी हो जाएगा। टी की वैल्यू कितनी थी, टी की वैल्यू मानी थी हमने, ये मानी थी फाइव ई स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सभी को? यस। ठीक है, अब क्या करें, अब भाई टू हटा दे, टू हटाएंगे तो टू को, अच्छा देखो लॉग हटाने के लिए ये हटाना पड़ेगा वन बाई टू, तो इसको क्या करूं, कैसे हटाऊं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चलो छोड़ो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऐसे हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर से स्क्वायर से लिखने दिखाना, ऑप्शन दिए मैं भाई, ये देखो ए बी सी डी, ओके हाँ भाई क्या आया हमारा, ये आ गया। अब क्या करें, इस सी को, इस सी स्क्वायर को एक और कांस्टेंट मान लो कुछ और, तो ये आ गया। अब लॉग मैं हटा सकता हूं तो ये आ गया फाइव ई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के, ये आ गया भी मेरा फंक्शन। और इसमें वी स्क्वायर की वैल्यू याद है क्या थी, वी स्क्वायर क्या था हमारा, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर होगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के, ये आ गया। और हमें क्वेश्चन में गिवन था क्या कि y1 is equal to minus 1, इसका मतलब जब x की वैल्यू आप 1 लोगे तो y की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 होगी। तो पुट कर दे, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था भाई, अच्छा पहले तो k निकालना पड़ेगा ना, हाँ तो पहले पुट करो क्या आएगा, k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। तो अगर मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर और x की जगह 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, वन का स्क्वायर इंटू में के, तो फाइव वन इक्वल टू आ गया के, तो के की वैल्यू आ गई भाई फाइव वन। तो हमारा क्वेश्चन बन गया फाइव वी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी इसमें वी की जगह वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर ही लिख लो, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो के की वैल्यू है फाइव वन, ये रख दिया। अब हमें आते हैं निकालना क्या था, हमें निकालना था, फाइंड करना था हमें फाइव वाई स्क्वायर अपॉन फोर फाइंड करना है। तो वाई स्क्वायर अपॉन फोर फाइंड करने के लिए हमें एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी बता दो, टू या माइनस टू, है ना, तो फाइव वाई स्क्वायर बाई फोर की वैल्यू आ गई भाई, टू का स्क्वायर यानी फोर फाइव, ठीक है भाई। ऑप्शन आ रहा है नंबर डी, ठीक है भाई। बस इसमें क्या कर दिया, एक फंक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया फाइव वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर करके, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। क्लियर है सभी को? यस सर, यस सर। हाँ तो मतलब ऐसा देखकर घबरा मत जाना कि ये क्या लिख दिया इन्होंने, फाइव वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर क्या लिख दिया अलग से, तो एक फंक्शन इस तरह से दे दिया थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, और कुछ नहीं। ओके, एक है फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है, पहले तो देखकर बताना कि ये कोई स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन बन रही है क्या, जो अभी तक हमने पढ़ी थी याद होगा आपको। एक फंक्शन है n टू n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और फंक्शन ऐसे गिवन है कि m प्लस n इज इक्वल टू एफ एम प्लस एफ एन, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या हमने कि एफ एम प्लस n को इस तरह से ओपन कर दें, तो इसकी कोई फंक्शनल इक्वेशन का टाइप याद आ रहा है कुछ, या नहीं था ऐसा कुछ? बताओगे हाँ प्रदीप बताओ, कुछ ऐसा पढ़ा था क्या, ऐसा तो कोई टाइप नहीं था ना, ये वाला टाइप पूछ रहा हूँ मैं, ऐसा कोई टाइप पढ़ा था हमने, ऐसा तो कोई स्टैंडर्ड टाइप नहीं था ना फंक्शनल इक्वेशन में, ये पढ़ा है सब
बताओ भाई। हाँ भाई बताओ भाई। अच्छा स्क्रीन सही चल रही है ना भाई? यस सर। ठीक है। हाँ पहले बताओ जल्दी से, ऐसा कुछ फंक्शनल इक्वेशन में टाइप पढ़ा था क्या हमने कोई, या नहीं पढ़ा था ऐसा? ऐसा तो कोई नहीं था ना, मल्टीप्लाई वाला पढ़ा था, एफ एम एन इक्वल टू, अगर एफ एम प्लस एफ एन एन होता है तो पढ़ा था हमने ना, लॉग वाला या ई की पावर वाले, ऐसा तो कोई टाइप नहीं था ना, ये याद आ रहा है ऐसा कुछ? बताओ भाई यस और नो, याद आ रहा है कुछ ऐसा? लिखूं सारे फंक्शनल इक्वेशन वाले टाइप? बताओ भाई यस और नो। लिखने पड़ेंगे सारे, वैसे तो नहीं था ऐसा, बता देता हूं। देखो अगर एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स इंटू एफ वाई होता है, याद आ रहा है ये किसका टाइप था? हमारा एफ एक्स ऐसा होगा, ठीक है। और अगर ऐसा है एफ एक्स प्लस एफ वाई, या ऐसा लिखा है एफ, ये याद रहने चाहिए भाई, एक्स वाई अगर ऐसा है एफ एक्स प्लस एफ वाई, अब क्या होता था? लॉग वाला, लॉग वाला होता था भाई, लॉग विद बेस कुछ भी हो सकता है ए एक्स, ठीक है। और अगर एफ एक्स, एक और था क्या था मेरा, अगर ऐसा लिखा है एफ एक्स मल्टीप्लाई में एफ वन अपॉन एक्स इक्वल टू, लिखा है एफ एक्स प्लस एफ वन अपॉन एक्स, ये कौन सा टाइप होता था? इसमें एफ एक्स क्या होता था? प्लस माइनस एक्स के बारे में कोई पॉलीनोमियल फॉर्म होता था इसके, याद आ गया? ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये वाला तो कोई टाइप नहीं है ना, जो अभी हमने ऊपर लिखा, ऐसा तो कोई टाइप नहीं है ना इसमें, नहीं बन रहा ना ये वाला? अब ये नहीं बन रहा तो फिर इसको तो वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा कुछ हिट एंड ट्रायल से, तो दिमाग लगाओ क्या करें। सबसे पहले क्या करें, अगर एफ एम प्लस एन, एफ एम प्लस एफ एन, एम एन गिवन है, और एम और एन दोनों क्या है, नेचुरल नंबर लेने हैं, और हमें एफ सिक्स गिवन है, कितना 18। अच्छा सिक्स कैसे आएगा, टू इंटू थ्री से आ जाएगा ना, वन सिक्स से भी आ जाएगा राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, एम और एन की वैल्यू बताओ, और हमें एफ टू इंटू एफ थ्री निकालना है। अच्छा एफ टू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ टू निकालने के लिए मैं ऐसे कर सकता हूँ एफ वन प्लस वन, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एफ वन प्लस एफ वन की, ठीक है, क्लियर है भाई? फर्स्ट इक्वेशन। एफ थ्री बताओ फिर कैसे लिखोगे, एफ थ्री कैसे लिखोगे, एफ वन प्लस टू से करना पड़ेगा, कितना आएगा एफ वन प्लस एफ टू, और एफ टू की वैल्यू क्योंकि ट्वाइस है तो इसको थ्राइस एफ वन लिख दो, ठीक है, ट्राइस का आंसर 54 आएगा, 54 चेक करते हैं इसका आंसर, मुझे नहीं पता, चेक करते हैं, ऑप्शन ये दिए होते, ओके देखते हैं 54 आ रहा है नहीं आ रहा। एफ टू की वैल्यू आ गई ट्वाइस एफ वन, F3 की वैल्यू आ गई थ्राइस F1 निकाल, और हमें F6 गिवन है कितना 18, तो 6666 कैसे लिखूंगा अभी मैं, अगर 6 लिखना F6 18 दिया हुआ है, 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 into F3 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 plus 3 लिख सकता हूं क्योंकि F, तो इससे क्या आएगा आंसर 54 आ रहा है, F3 plus F3 आ गया 2F3, हाँ चेक करते हैं, और ये इक्वल टू रखा 18, तो F3 की तो वैल्यू निकल गई भाई, कितनी आ गई 9 आ गया है ना, अगर F3 9 है तो फिर F2 कितना हो गया, या F1 कितना होगा, F1 और F2 भी निकल जाएंगे, क्यों, क्योंकि F3 का रिलेशन गिवन था किसके साथ, F1 के साथ, F3 जो है वो क्या आया था, थ्राइस F1 आया था, तो F1 की वैल्यू आ गई भाई 3, और F2 की वैल्यू आ जाएगी इसका ट्वाइस 6, तो कितना बोला आपने, हमें निकालना था F2 into F3, कितना आ रहा है, F2 की वैल्यू आ रही है कितनी 6, और इसकी आ रही है 9, ठीक है 54, क्लियर है सभी को? Yes sir. Yes sir. तो इसमें कोई फंक्शनल इक्वेशन स्टैंडर्ड टाइप नहीं बन रहा, तो फिर इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पाई स्क्वायर
इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 2 साइन पाई एक्स पाई 2 ब्रैकेट में क्लोज, फिर एक और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स और उसकी पावर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में दी हुई है साथ में dx, इसकी वैल्यू बताने क्या होगी। ऑप्शन नहीं दे रहा हूं इसके में, पहले तो बताओ सॉल्व कैसे करेंगे, इसे स्टार्ट कैसे करें, डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 2 दे रखा है तो ब्रेक कैसे करें इसे 0 से 1 और 1 से 2 0 से 1 और 1 से 2 वेरी गुड, और लिख क्या देंगे 0 से 1 और 1 से 2 में, 0 से अगर 1 लिखते हैं तो क्या लिखेंगे और 1 से 2 में क्या लिखेंगे सबसे पहले ये साइन तो यही रहेगा पाई एक्स बाई टू, जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा क्या आएगा, अगर हम जीरो से वन लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जीरो आएगी और एक्स माइनस जीरो एक्स आएगा और एक्स की पावर जीरो करोगे तो वन हो जाएगा राइट, ठीक है हाँ भाई सभी को आया समझ में कैसे लिखा मैंने दोबारा देखो, देखो हमने क्या किया जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसमें एक्स तो एक्स ही रहेगा माइनस जीरो से वन के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जीरो आएगी और पावर में भी जीरो आएगा ये आएगा ना प्लस पाई स्क्वायर, फिर जब वन से टू लेंगे तो क्या आएगा साइन पाई एक्स पाई टू एज इट इज रहेगा, एक्स माइनस क्या आएगा बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी अब वन आएगी राइट, पावर में भी वन डी एक्स ये आ गया ना, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा पाई स्क्वायर हमें लेना है जीरो से वन तक साइन पाई एक्स बाई टू क्योंकि इनटू में वन आएगा प्लस यहाँ पे आएगा पाई स्क्वायर वन से टू साइन पाई एक्स बाई टू और ये एक्स माइनस वन ही रहेगा। अब इसे सॉल्व करना है तो पहले वाले का तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगा, पहले वाले में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, सेकेंड वाले को कैसे करोगे कौन सा रूल लगाएंगे इसमें सॉल्व करने के लिए, सेकेंड वाले को इंटीग्रेशन बाय पार्ट है ना आईलिट, है भाई क्या लगाएंगे आईलिट सेकंड वाले को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, पहले वाले का क्या हो गया इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स पाई टू डिवाइड में भी कुछ आएगा क्या पाई बाय डिवाइड में आएगा पाई बाय टू और कहां से कहां तक जीरो से कहां तक, और दूसरे वाले का लगा दो आईलिट सॉल्व करके आंसर बताओ इसका क्या आ रहा है, सभी सॉल्व करेंगे और जिसका आंसर आता है चैट बॉक्स में भेज दो, पाई की टर्म्स में ही आएगा जो भी आंसर आएगा कांस्टेंट आंसर आएगा पाई की टर्म्स में मतलब पूरा सॉल्व हो जाएगा पाई की टर्म्स में आएगा कितना आएगा आंसर ये बता दो, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, एक्स माइनस वन बाहर रखा हमने इसका आ जाएगा माइनस कॉस पाई एक्स पाई टू डिवाइड बाई पाई बाई टू फिर माइनस करो पूरा जल्दी से निकाल के बताओ क्या आ रहा है वन से टू एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव बनाएगा माइनस का कॉस पाई एक्स पाई टू पाई बाई टू डीएक्स इसका फर्दर करना है आया किसी का आंसर भाई
लास्ट मिनट भी सर, 4 × π + 1 4 × π + 1 यस आंसर आ रहा है इसका 4π - 2 यानी कि 4π - 1 कुछ गड़बड़ कर दिया नहीं कैलकुलेशन है ना और किसी का आया भी आंसर तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा बताओ हाँ सर पता चल गया मिस्टेक मिल गई वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में तो बीच में माइनस आता है हाँ भाई माइनस वगैरह सारे ध्यान रखने होंगे कहीं पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए एक तो थोड़ा छोटा छोटा लिखो कैलकुलेशन जब करते हो उसमें थोड़ा बहुत रफ में निकालते रहो अगर आपको लग रहा है ब्रैकेट ढंग से बनाते रहो क्योंकि कहीं ना कहीं पे माइनस माइनस साइन चेंज होते हैं अगर एक भी जगह गड़बड़ होगी तो सारा आंसर रॉन्ग आएगा और तुम्हारा आंसर कितना था 4π + 1 आ रहा था यस सर मतलब 4π ब्रैकेट में प्लस 1 या 4π पूरा ओपन करके 4π + 1 आ रहा था सर मतलब ऐसे आ रहा था नहीं ऐसे जैसे पहले लिखा आ रहा था ये आ रहा था यस और ये भी एक ऑप्शन दिया हुआ है देख लो मतलब उनको पता है कि काव्य ये वाली गड़बड़ करेगा तो उन्होंने ये ऑप्शन डाला हुआ है अब तुम तो चेक भी नहीं करोगे तुम तो इस ऑप्शन पे ठीक लिखाओगे है ना यस तो भाई देख लो मतलब वो मतलब ऐसा भी ऐसे ऑप्शन डालते हैं कि तुम जो सिलेबस चेक करोगे वो वाला मिल भी जाएगा तुम्हें और तुम तो देखकर टिक लगाया होगे उनको पता है कि बच्चे क्या क्या गड़बड़ कर सकते हैं माइनस प्लस की जहाँ जहाँ उनको लगता है वो सारे ऑप्शन डाल देते हैं तो बहुत ध्यान से करो ना ठीक है अभी कर लोगे सारे या करके दिखाओ बताओ कैलकुलेशन कर लोगे अभी सारे यस सर ठीक है जिनका नहीं आया अभी सॉल्व करना और देखना यही आएगा आंसर 4π - 4 और कैलकुलेशन पे थोड़ा वर्क करो भाई अगर लाइक नहीं आ रही है कैलकुलेशन तो इसको थोड़ा सा लाइक निकाल के प्रैक्टिस करो ताकि निकाल पाओ पेपर में तो ऐसे बैठे रहोगे नहीं तो सॉल्व ही नहीं होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन एक पॉइंट है ए इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स कैसे पॉइंट हैं अल्फा कॉमा बीटा सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 5, 6 3, 2 एंड अल्फा कॉमा बीटा इन तीनों पॉइंटों से जो एरिया बनेगा वो ऑलवेज क्या होगा 12 स्क्वायर यूनिट होगा उसका देन हमारे से पूछा है देन लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए मतलब ओ क्या यहाँ पर ओरिजिन है हमें बताना है ओरिजिन से ए जो होगा सबसे कम डिस्टेंस पे जो होगा लेंथ वो बताना है कितनी होगी तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बता दो क्या होता है अगर तीन पॉइंट गिवन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला या तो डिटरमिनेंट वाला कर दो या वैसी जो तुमने 10th में लर्न करा था वो वाला लिख दो हाफ करके जो लिखते थे चलो ऐसे लिख दो हाफ क्या याद है फॉर्मूला सभी को एरिया ऑफ ट्राइंगल x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये होता था एरिया ऑफ ट्राइंगल तो क्या आएगा हाफ 5 3 α 6 2 β 1 1 1 सॉल्व कर दो बताओ क्या आएगा इसको ओपन करके मॉड में लिखोगे क्योंकि अभी हमें अल्फा और बीटा पता नहीं है तो मॉड में ही लिखेंगे आंसर क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल पॉजिटिव ही होगा तो इसलिए मॉड लगा के ही सॉल्व करोगे मॉड नहीं लगाया तो गड़बड़ हो जाएगी बताओगे क्या है सॉल्व करके मॉडलस वाला मॉड वाला पार्ट बता दो डिटरमिनेंट कितना आ रहा है
अभी कितना आया? यही आ रहा है माइनस को यार अभी यस ठीक है तो यानी आ गया 4 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 8 इक्वल टू प्लस माइनस 24 प्लस माइनस इसलिए क्योंकि मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों कंसीडर करेंगे तो 4 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 24 प्लस 8 2 हटाकर लिख दो 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 प्लस 4 ही आ गया तो दो वैल्यूज आ गए क्या क्या 2 अल्फा माइनस बीटा या तो 16 या फिर 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू माइनस का 8 या इन दोनों को देखकर अगर अल्फा बीटा कोई एक पॉइंट है जो कि साफ दिख रहा है कि किस पे मूव करेगा लोकस अगर मैं बोलूं कि लोकस ऑफ अल्फा और बीटा का वो क्या होगा क्लियरली लोकस ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इज अ स्ट्रेट लाइन ही तो होगा भी देखकर ही पता लग रहा है ठीक है भाई एक स्ट्रेट लाइन पे तो मूव कर रहा है अल्फा बीटा समझ में आ रहा है सभी को तो दो इक्वेशन आ गई कौन कौन सी 2x माइनस वाई या तो 16 ऐसी लाइन होगी या फिर 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 8 ऐसी लाइन होगी क्लियर है yes, और हमसे पूछा क्या था हमारे से पूछा था जो पॉइंट ए है वो या तो इस लाइन के ऊपर होगा या इस लाइन के ऊपर होगा और हमारे से पूछा था कि ओ से ए तक का डिस्टेंस मिनिमम लीस्ट डिस्टेंस पूछा था लीस्ट डिस्टेंस तो आपको ये बात तो पता है भाई कि किसी भी पॉइंट से ओरिजिन से अगर आपको लीस्ट डिस्टेंस निकालना है लीस्ट तो वो डिस्टेंस कैसा होगा भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होगा है कि नहीं yes. तो बेसिकली हमें क्या करना है ओरिजिन का एक बार इससे डिस्टेंस निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एक बार इससे निकालना है तो क्या फॉर्मूला था याद है मॉड ए एक्स वन बी वाई वन सी 16 को उधर लेके जाएंगे माइनस 16 डिवाइड बाई रूट में ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर तो ये कितना आ गया 16 अपॉन रूट में 5 दूसरे का क्या आएगा इसका भी निकाल दो इधर कितना आ रहा है इसका कम आएगा राइट इसका आएगा 8 अपॉन रूट 5 तो कौन सा आंसर सही होगा लीस्ट में जो पॉसिबल है दैट इज 8 बाय रूट 5 क्लियर है आया भी सभी को समझ में यस ठीक है तो इसमें 16 बाय रूट 5 भी दिया हुआ है 8 बाय रूट 5 भी दिया हुआ है तो गड़बड़ क्या होगी गड़बड़ ये होगी कि अगर आपने मॉडुलस पे ध्यान नहीं दिया कि मॉडुलस लगा होता है यहाँ पर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में तो मॉडुलस अगर नहीं लगाया तो तुम्हारा 16 बाय रूट 5 आ जाएगा और ऑप्शन दिखेगा और टिक लगाया हो गया ठीक है तो ये ध्यान रखना है और ऐसी लीनियर इक्वेशन बनती है तो समझ में आ जाता है कि लोकस उस पॉइंट का क्या होगा ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन ही होगा और तो कुछ हो ही नहीं सकता नेक्स्ट है ऐसे एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर लिखे हैं उस सेट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन ऑन टू फंक्शन जी फ्रॉम एस टू एस सेटिस्फाई द कंडीशन क्या है कि जी थ्री इज इक्वल टू आना चाहिए 2g1 इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल दूंगा कि अगर हम एक फंक्शन बनाएं ऑन टू फंक्शन कहां से कहां एस टू एस पहले तो मुझे बता दो टोटल ऑन टू फंक्शन कितने होंगे एस टू एस बताओ टोटल ऑन टू फंक्शन कितने होंगे लास्ट में भी ने डिस्कस करा था अभी ये तो अगर ऑन टू फंक्शन निकालने एस से एस एस में कितने एलिमेंट्स हैं 6 एलिमेंट्स हैं तो अगर ऑन टू फंक्शन बनाना है मतलब 1-1 भी होना चाहिए सॉरी 1-1 कह रहा हूं ऑन टू फंक्शन का मतलब आपका रेंज और कोडोमेन इक्वल होना चाहिए तो कैसे बनाओगे कितने बनेंगे
बताओ भाई टोटल ऑन टू फंक्शन कितने होंगे भाई, किसी को नहीं आ रहा? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मुझे बताओ ऑन टू फंक्शन के लिए इस वन को मैं किसके साथ मैप करा सकता हूँ, कितने जनों के साथ मैप करा सकता हूँ? 6 ऑप्शन अवेलेबल है इसके लिए, है ना? Yes. ठीक है, फिर इस टू को, इस टू के लिए कितने ऑप्शन होंगे मैप कराने के लिए? ऐसे ले लो, चलो एक एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। मान लो मैंने वन को मैप करा दिया किसके साथ, थ्री के साथ मैप करा दिया, मतलब मेरे पास 6 ऑप्शन थे, 6 वेज में करा सकता हूँ, मैंने 3 के साथ मैप करा दिया। अब 2 के साथ बताओ कितने मैप हो सकते हैं, 2 के साथ प्री इमेज कितनी लिंक कर सकता हूँ मैं, 6 कर सकता हूँ या 5 अवेलेबल है? 5 क्यों? कोई बच्चा बोलेगा 6 तो रॉन्ग हो गया, देखो क्यों, अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ये तो 3 के साथ दो मैपिंग हो गई, 3 के साथ 1 भी आ रहा है, 3 के साथ 2 भी आ रहा है, ये तो फंक्शन ही नहीं होगा ना, क्लियर है? समझ में आया भाई? Yes, तो 2 के लिए कितने पॉसिबल वेज हैं? 5 वेज हैं। 3 के लिए कितने होंगे? 4। 4 के लिए 3, 5 के लिए 2 वेज और 6 के लिए 1। तो कितने होंगे भाई टोटल? टोटल ऑन टू फंक्शन कितने होंगे? 6 फैक्टर यानी कि 720। क्लियर है सभी को यहां तक? यस सर। ठीक है, तो टोटल तो आ गए मेरे पास 720 है। अब मुझे ये बताओ कंडीशन, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स क्या है? ये कंडीशन है कि ऐसा होना चाहिए कि G3 निकालने पर ट्वाइस ऑफ G1 के इक्वल आ जाए। तो पहले सोचो थोड़ा सा कि G1 की वैल्यू क्या चूज करोगे तुम। भाई G1 के लिए मेरे पास इसने कहा G3 इक्वल टू ट्वाइस G1 के इक्वल आना चाहिए। तो G1 पहले मान लो, क्या मान लो बोलो, G1 की वैल्यू क्या ले सकते हैं? लेंगे तो S में से ही ना, 1 2 3 4 5 6। तो क्या ले लूँ? 1 ले लूँ। अगर 1 लूंगा तो G3 की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 2 लेनी पड़ेगी। G2 को अगर मैं लेता हूँ 2, तो G3 कितना लेना पड़ेगा बताओ भाई? कितना? 4। और G1 लिखना था मैंने, 2 लिख दिया यहाँ पर। G1 की वैल्यू मैंने 1 चूज करी है, G1 अगर 2 चूज करा है तो 4 आएगा, और G1 की वैल्यू अगर मैं 3 चूज करता हूँ तो G3 की वैल्यू आएगी 6। अब G1 की वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूँ तो G3 आएगा 8, पर 8 तो उस सेट में ही नहीं है भाई, सेट से बिलोंग ही नहीं करता। तो फिर इसका मतलब ये नहीं आएगा, इसका मतलब सिर्फ यही 3 केस बनेंगे ना, ये ठीक है? 3 पॉसिबल केसेस बनेंगे। अब चलो बताओ मुझे, अगर 3 पॉसिबल केसेस हैं तो अगर मैंने G1 को 1 ले लिया और G3 के लिए फिक्स कर दिया 2, तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए मैं कितनी मेरे पास वेज होंगे लिंक करने के लिए? अगर मैंने G1 को 1 से लिंक कर दिया 1, G3 को 2 से लिंक कर दिया, ये भी फिक्स कर दिया, बाकी जो बचे 2, क्या क्या बचा है हमारे पास? 2 बचा है, G2 बचा, G3 बचा, नहीं G3 तो ले लिया, सॉरी, मैंने कौन कौन से एलिमेंट्स रह गए? S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मैंने ऐसे लिंक कर दिया, G1 को 3 के साथ लिंक कर दिया और G3 को क्या कर लो हमें, नहीं 1 के साथ लिंक करा, सॉरी 1 को 1 के साथ लिंक कर दिया है और G3 को मैंने 2 के साथ लिंक कर दिया है। अब कितने बचे भाई यहाँ पर बताओ? 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 बचे, 1 2 3 4, इनके लिए कितने आउटकम्स होंगे टोटल? 4 फैक्टर होंगे ना वही, ठीक है भाई? Yes. ठीक है, 4 फैक्टर। ऐसे ही क्या होगा, जैसे इसके बनाए मैंने कितने, इसके 4 फैक्टर आउटकम्स होंगे, इसके भी कितने आएंगे, वही आएंगे सेम ही 4 फैक्टर आउटकम्स आएंगे, और इसके भी कितने आएंगे, 4 फैक्टर आउटकम्स आएंगे, और ये केसेस हैं तो ऐड होगा या मल्टीप्लाई होगा? ऐड होगा ना, ऐड करूंगा लेकिन सारे के सारे सेम है, 4 फैक्टर, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मेरे फेवरेबल आउटकम्स आ गए। क्लियर है भाई? Yes. बोलो बोलो भाई, किसी को नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊं कि कैसे लिंक करा बताओ।
सभी को क्लियर है? यस सर। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फाइनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 4 फैक्टोरियल इनटू 3 डिवाइड बाय क्या था 720। इसको सॉल्व कर लेना भाई जो भी आता है, ठीक है। हाँ भाई सभी को क्लियर बेटा? यस सर। नेक्स्ट है, तो अगर आपको जैसे ऑन टू वगैरह ये फंक्शन काउंट करने हैं, इस तरह से सेट बनाकर कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा लिया करो, और फंक्शन की डेफिनेशन जो है कि एक इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट नहीं हो सकते एस में, तो उस कंडीशन को भी वायलेट नहीं करना, तो ये लगाकर समझ लिया करो कि कितने फंक्शन होंगे। अगर आपको वन वन निकालना है तो निकाल सकते हो आप। मैनी वन निकालने के लिए क्या तरीका है, टोटल में से वन वन माइनस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर क्या बेटा, 1/10 आ रही है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दी हुई है, कुछ ऐसे दी हुई है इक्वेशन, 32 की पावर 10 स्क्वायर एक्स प्लस 32 की पावर सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 81, और बोला है कि x कहां तक लेना है, 0 से लेकर π/4 भी इंक्लूडेड, ये हमें कंडीशन दी है। तो बताने इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, सॉल्यूशन निकालना नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने। ऑप्शन है 0, 1, 2 या फिर 3। अगर मुझे लॉग टेबल दी जाए तो उससे तो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ वैल्यूज वगैरह निकालकर, बट बिना लॉग टेबल के हमें बस ये बताना है कि कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके। कोई बताएगा थोड़ा सा पहले स्टार्ट कैसे करें इसे? बताओगे? सबसे पहले 10 स्क्वायर और सेक्स स्क्वायर को देखकर कुछ आइडिया लग जाता है कि यार इन दोनों में एक रिलेशन होता है, क्या होता है भाई? सेक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 plus 10 square लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने से कम मैं कॉमन ले सकता हूँ, दोनों में से क्या कॉमन है, 32 की पावर 10 स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 1 plus 32 की पावर 1 बचेगी, राइट। तो हमारा आ गया 32 की पावर 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 81 डिवाइड बाय 33, ये आ गया। अब क्या करूँ, अब कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके बाद क्या करें? अगर मैं लॉग लेता हूं तो आएगा 10 स्क्वायर एक्स लॉग, कौन सा बेस लें, अगर मैं 2 बेस लेता हूं तो ऐसा आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है भाई, कितना होता है तो बताएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो 5 हो जाएगी क्योंकि 2 की 5 है। अब ये नहीं पता भाई क्या होता है, ये नहीं पता भाई कितनी आएगी इसकी वैल्यू, लेकिन ये क्लियर है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा 0 के भी आगे बता सकते हो कि किससे बड़ा होगा, डेफिनेटली भाई इसकी वैल्यू रफली कितनी आएगी, 81/33 ये आएगा रफली, कितना आएगा, 2 point something आएगा, राइट है ना? Yes. अच्छा अगर 2 point something, अगर 2 point something आ रहा है और बेस 2 है तो कोई मुझे बताएगा इसकी वैल्यू 1 से कम होगी या 1 से ज्यादा होगी? 1 से ज्यादा। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। अगर बेस से आपका ये वाला नंबर ज्यादा लिखा हुआ है क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, याद होगा तुम्हें, लॉग अगर मुझे कंपेयर करना हो 0.5 और यहाँ लिखा है 0.6, अब बताओ आंसर ये क्या है, लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1? लेस देन, ये लेस देन 1 होगा, लेकिन अगर लिखा है लॉग 5 और यहाँ 6 तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, क्लियर है भाई? इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन बहुत ध्यान से, ये चीज हम कई बार ध्यान नहीं देते, तो हमें बस इतना पता लग गया कि लॉग सॉरी 10 स्क्वायर एक्स इंटू में 5 आया था और यहाँ पर आ रहा है इक्वल टू में सम नंबर ए मान लेते हैं उसे और डिवाइड बाय 5, लेकिन जो ए है वो 1 से थोड़ा सा बढ़ता है ये पता है, तो 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ रहा है समथिंग 1 point something डिवाइड बाय 5,
तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे ये बताने हैं हम, क्या करें। और इसने x की वैल्यू बोली भी है, क्या बोली इसने, x की वैल्यू बोली है भाई जीरो से लेकर बस पाई बाय फोर तक ही लेना है। और हमें टेन का ग्राफ पता है कैसा होता है, टेन एक्स का, टेन एक्स का ग्राफ बनता है भाई ऐसे बनता है ना। हमें ये भी पता है कि पाई बाय फोर पे वन होता है एग्जैक्टली, और स्क्वायर लिखा है तो नीचे वाला ग्राफ नहीं बनेगा, क्लियर है भाई, जो नीचे वाला ग्राफ होता है ये नहीं बनेगा, क्लियर है भाई, स्क्वायर है, क्लियर है, नीचे वाले ग्राफ को गायब कर दिया मैंने। और जीरो से पाई बाय फोर लेना है, वैसे भी वो लेना ही नहीं था तो हटा ही दो उसे। तो अब बताओ ये जो ये वाला वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है होल थिंग, ये तो लेस देन वन होगा भाई, है ना, ये वैल्यू जीरो से वन के बीच में होगा, राइट, ये ठीक है, yes. तो जीरो से वन के बीच में प्लॉट कर लो, खत्म, क्या कुछ ऐसा कुछ एक लाइन बन जाएगी, ठीक है भाई। तो ग्राफ को कितनी बार कट करेगा, समझ में आया, हाँ भाई, कितनी बार कट करेगा, एक ही बार कट करेगा ना, क्लियर है, yes. मतलब आपको ये जो लिखा है मैंने log 280 क्या लिखा है 81 डिवाइड बाय 33, log टेबल गिवन नहीं है, कहीं कह दो कि सर मतलब ऐसा हो गया तो हमें पता ही नहीं था, हम कैसे जज करते, तो ये बात समझ में आनी चाहिए ना कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये जीरो से बड़ी और वन से लेस है, ये बात ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर, तो ग्राफ को समझ में आ रहा है ना, एक ही बार कट करेगा, क्लियर है, यस सर, क्योंकि जीरो से पाई बाय फोर तक ही लेना था, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई ये लाइन जो होगी जीरो से वन के बीच में होगी, ये इंपॉर्टेंट था, मतलब अगर ऊपर से जा रही होती, ऊपर से जा रही होती तो एक भी सॉल्यूशन नहीं आता, क्योंकि हमें सिर्फ जीरो से पाई बाय फोर तक ही देखना था, क्लियर है, यस सर, ठीक है, और ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन वाला लॉजिक सभी को आगे समझ में भी, कि log 5-6 मैंने 1 से बड़ा लिखा है, log 0.5-0.6 less than 1 लिखा है, ये बात क्लियर है सभी को, yes, yes, okay. अच्छा ये बताना पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगा ये या नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा, अच्छा बिल्कुल ठीक है, और पॉजिटिव में भी कहां से किसके बीच में होगा बता सकते हैं, जीरो से वन के बीच में या वन से बड़ा, जीरो से वन, राइट, यस, क्योंकि ग्राफ कैसा बनता था याद आ रहा है सभी को, जब ए क्या होता था, ए मतलब ये फाइव आपका ग्रेटर देन जीरो होता था, सॉरी ग्रेटर देन वन होता था, तो इसका ग्राफ ऐसा बनता था, और यहाँ पर क्या होता है आपका वन पे जीरो हो जाता था, और उससे ऊपर लेके तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, यस ठीक है, और अगर ऐसा लिखा होता लॉग फाइव इज 0.6 अब आंसर क्या था, नेगेटिव था, राइट, यस, क्योंकि y की वैल्यू आपको नेगेटिव आती, ये दिख रहा होगा आपको इस पोर्शन में लाइक करता था नीचे इस वाले पोर्शन, ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें याद रहनी चाहिए ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो फिर आपको ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं, क्लियर है भाई सभी को, यस सर, ठीक है बेटा, एंड प्रैक्टिस अपने रखो एंड रिवाइज करते रहो अपने टॉपिक्स वगैरह सारे, एंड अपने फॉर्मूला कॉन्सेप्ट भी भाई अच्छी तरह से लाइक रिवाइज कर लो, कोई ऐसा ना हो कि रह जाए टॉपिक, सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो अच्छी तरह से हर चैप्टर के, चलो थैंक यू ऑल बेटा, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बाय सर, अच्छा इसके बाद तो तुम्हारी कोई क्लास नहीं है, ठीक है, थैंक यू बेटा, बाय बाय।